Hi friends, you are very most welcome on Unique Study with Ajay. दोस्तों इस चैनल के ऊपर मैंने जनरल फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों की बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से क्लासेज चला रखा हूँ। तो अब हम ज्योग्राफी में बात करें तो ज्योग्राफी में प्रेजेंट टाइम में मैं ओशनोग्राफी पढ़ा रहा हूँ डिस्क्रिप्टिव टाइप से, जिसमें मैंने मग्न तट, मग्न ढाल, गर्त, ढेंसागरी मैदान और इसके अलावा अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर, ये सारा कंप्लीट करवा दिया है। देखो हमारा टारगेट है कि आपका हर एक तरीके से बेस्ट स्कोर क्या हो, बेस्ट स्कोर हो, और उसके लिए हम वो सभी तमाम मेथड्स अपनाएंगे जिनके द्वारा आपका बहुत ही अच्छा स्कोर हो पाए। तो प्लीज़ मैं वीडियो के आगे की ओर बढ़ूं, इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं वो सारा कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगा जो कि आपका एक बहुत अच्छा स्कोर करने में हेल्प करेगा। ठीक है, अब हम हाँ, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। देखो आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर और कॉलेज लेक्चरर इन दोनों एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चनों की, कि इससे पहले जो असिस्टेंट प्रोफेसर उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर या कॉलेज लेक्चरर का जो एग्जाम हुआ था उसमें ओशनोग्राफी के जो जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, अब हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले UPPCS 2007 UPPCS 2007 के क्वेश्चनों पर बात करेंगे, जिसमें हमारा चैप्टर फर्स्ट है। इसमें हम बहुत सारे स्टेट्स और उनके जो पेपर्स हैं उनको सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो देखो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, क्वेश्चन फर्स्ट है कि निम्नलिखित जलधाराओं में से कौन सी दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धाराओं के भूमध्य रेखा से वापस आने के अनुसार सही क्रम में है, कि निम्नलिखित जलधाराओं में से कौन दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धाराओं के भूमध्य रेखा से वापस आने के सही क्रम में है। और यहाँ पर चार ऑप्शन है, बेंगुला है, ब्राजील है, दक्षिण अटलांटिक ड्रिफ्ट है और दक्षिणी विषुवतीय रेखा है, ये चार जलधाराएं हैं। देखो क्वेश्चनों को समझना है आपको, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या कहने का मतलब है यहाँ कि इन चारों जलधाराओं को आपको इस तरीके से व्यवस्थित करना है कि दक्षिणी विषुवत रेखा से लेकर बिल्कुल वापस दक्षिण विषुवत रेखा से हमें लेके चलना है और फिर दक्षिण जलधाराओं के प्रवाह की दिशा में चलना है, धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे और वापस आने के अनुसार मतलब दक्षिणी विषुवत रेखा धारा से स्टार्ट होकर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधाराओं के क्रम का अनुसरण करते हुए वापस दक्षिणी विषुवत रेखा धारा के निकट आना है। तो देखो ये है हमारा क्रम, ये दक्षिणी विषुवत रेखा धारा है, उसके बाद फिर ब्राजील धारा आती है, फिर दक्षिणी अटलांटिक ड्रिफ्ट आता है और फिर बेंगुला जलधारा आती है। सबसे पहला दक्षिणी विषुवत रेखा जलधारा आती है, फिर उसके बाद ब्राजील आता है, फिर उसके बाद दक्षिण अटलांटिक ड्रिफ्ट आता है और फिर बेंगुला आती है। बिल्कुल ये इस तरीके से क्रम है इसका, क्या है, बिल्कुल इस तरीके से क्रम है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य अटलांटिक कटक को ग्रीनलैंड के
दक्षिण में टेलीग्राफ पठार के नाम से ही जाना जाता है कि जो मध्य अटलांटिक घटक है उसको ग्रीनलैंड के दक्षिण में टेलीग्राफ के पठार के नाम से जाना जाता है और इस भाग में घटक की चौड़ाई सर्वाधिक है। जो मध्य अटलांटिक घटक है उसको ग्रीनलैंड के दक्षिण में टेलीग्राफ के पठार के नाम से जाना जाता है और जो टेलीग्राफ का पठारीय भाग है वो मध्य अटलांटिक घटक का एक सर्वाधिक चौड़ा घटक है। देखो ये आप बिल्कुल डिटेल से जब मैंने अटलांटिक महासागर पढ़ाया और उसमें जब मैंने मध्य अटलांटिक घटक का डिस्कशन किया था तो वहाँ जाके आप देखो बिल्कुल डायग्राम बना के और बहुत शानदार से तरीके से समझाया मैंने, आपको एक बार देखते ही समझ में आ जाएगा, फैन हो जाओगे आप एक तरीके से उसके, तो ज़्यादा फैन होना नहीं है क्योंकि फिर खतरा बढ़ सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन पर, ज्वारभाटा की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। सबसे पहला है संतुलन सिद्धांत जो कि आइजैक न्यूटन ने दिया था, परगामी तरंग सिद्धांत जो कि विलियम वेवेल ने दिया था, नहर सिद्धांत जो कि एडी मोदे ने दिया था, स्थैतिक तरंग सिद्धांत जो कि आर ए हैरिस मोदे ने दिया था और गतिक सिद्धांत जो कि लाप्लास मोदे ने दिया था। ये टोटल पांच थ्योरी हैं जो ज्वारभाटा की उत्पत्ति से संबंधित हैं, तो इन्हें हमें ध्यान रखना है। जहाँ से क्वेश्चन वो किसी भी तरीके से पूछ सकता है, वो ऐसे भी पूछ सकता है कि ज्वारभाटा की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों का वर्णन करो, ज्वारभाटा की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत कौन कौन से हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत ज्वारभाटा की उत्पत्ति से संबंधित है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछे हमें बहुत शानदार वाली तैयारी करनी है। ठीक है, और अब की बार हमें 100% कोशिश करना है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, जीआरएफ निकालने का, ये हमें 100% कोशिश करनी है। की बार कोशिश नहीं, अब की बार हमें निकाल के रहना है, हमें असिस्टेंट प्रोफेसर बन के रहना है, हमें कॉलेज लेक्चरर बन के रहना है, हमें जीआरएफ निकाल के रहना है, की बार कुछ करना है लाइफ में। उसके बाद है चौथा, सुनामी मुख्यतः उत्पन्न होती है महासागरों में आने वाले भूकंपों से, ज्वालामुखी से और भूस्खलन से, कि जो सुनामी है वो मुख्यतः किन किन से उत्पन्न होती है, महासागरों में आने वाले भूकंप से, ज्वालामुखी से और भूस्खलन से। उत्तर सागर के वृद्ध क्षेत्र पर महाद्वीपीय महासागर का विस्तार पाया जाता है, जो उत्तर सागर है उसके वृद्ध क्षेत्र पर महाद्वीपीय महासागर का विस्तार पाया जाता है, इसलिए यह सर्वाधिक छिछले सागरों में एक है, कि जो उत्तर सागर है उसके वृद्ध क्षेत्र पर महाद्वीपीय महासागर का विस्तार पाया जाता है, इसलिए यह एक सर्वाधिक छिछले सागरों में से है। उसके बाद हम बात करते हैं UPPCS 2006 के पेपर की। देखो क्वेश्चन नंबर पांचवा है, महाद्वीपीय मग्नतट सम गंभीरता रेखा द्वारा निर्धारित होता है, कि जो महाद्वीपीय मग्नतट है वो कौन सी सम गंभीरता रेखा द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो वो है 200 फैदम। 100 फैदम को हम 200 मीटर बोल सकते हैं और 200 मीटर को 600 फीट बोल सकते हैं, क्योंकि एक फैदम में 2 मीटर होते हैं और 1 मीटर में 3 फीट होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर छठा, अंतःसागरीय कंदराओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। ये कुछ अंतःसागरीय कंदराएं हैं और अंतःसागरीय कंदराओं से रिलेटेड कुछ कथन दिए हुए हैं जिनके ऊपर हमें डिस्कशन करना है। तो भाई लोगों, सबसे पहला, ये लंबी सकरी एवं अति गहरी गाढ़ियाँ हैं, जो अंतःसागरीय कंदराएं हैं वो लंबी सकरी एवं अति गहरी गाढ़ियाँ हैं। अंतःसागरीय कंदराएं अधिकतर महाद्वीपीय मग्न तट एवं महाद्वीपीय मग्न ढालों पर पाई जाती हैं। जो अंतःसागरीय कंदराएं हैं वो अधिकतर महाद्वीपीय मग्न तट एवं महाद्वीपीय मग्न ढालों पर पाई जाती हैं, परंतु नदियों के मुहाने के सामने सीधे सागर तट के सामने अधिक संख्या में मिलती हैं। लेकिन जो अंतःसागरीय कंदराएं हैं
वो नदियों के मुहाने के सामने सीधे सागर तट के सामने अधिक संख्या में मिलती हैं। डायग्राम से समझाता हूँ, जैसे ये कोई सागर है और यहाँ पर कोई नदी का मुहाना है, इस तरीके से ये कोई नदी का मुहाना है, तो इस क्षेत्र में सबसे अधिक क्या पाई जाती है, अंतर्सागरीय तंत्राएं पाई जाती हैं। उसके बाद W.M. डेविस के अनुसार इन कंदराओं की उत्पत्ति के लिए पैंग तरंग उत्तरदायी है। एक विद्वान थे W.M. डेविस और उन्होंने बताया कि जो ये अंतर्सागरीय कंदराएं हैं इनकी उत्पत्ति के लिए पंख तरंगे उत्तरदायी हैं। आपको वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा, बहुत अच्छा कंटेंट लग रहा होगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो यदि आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो। तो अब हम बात करते हैं सागरीय लवणता का अक्षांशीय विस्तार। सागरीय लवणता का अक्षांशीय विस्तार, यहां पर इस शब्द को हटा दो, सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तरी गोलार्ध में। देखो उत्तरी गोलार्ध में 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में, सॉरी 10 से 15 डिग्री अक्षांश के बीच में 34.5 से 35% लवणता पाई जाती है। 15 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में 35 से 36% के बीच में लवणता पाई जाती है। 40 से 50 डिग्री नॉर्थ अक्षांश की बात की जाए तो वहाँ पर 33 से 34% लवणता पाई जाती है। और इसके अलावा यदि 50 से 70 उत्तरी अक्षांश की बात की जाए तो यहाँ पर 30 से 31% लवणता पाई जाती है। 50 से 70 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के बीच में 30 से 31% लवणता पाई जाती है। अब हम बात करें दक्षिणी गोलार्ध की, तो देखो दक्षिणी गोलार्ध में 10 से 30 डिग्री साउथ अक्षांश के बीच में 35 से 36% लवणता पाई जाती है। 30 से 50 डिग्री दक्षिण अक्षांश में 34 से 35% लवणता पाई जाती है। वहीं 50 से 70 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच में 33 से 34% लवणता पाई जाती है। तो इनको आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछता रहता है। अब हम आगे बात करते हैं तट से सागर के गहरे भाग की ओर भूमिज निक्षेप कणों के आकार का अवरोही क्रम। तट से सागर के गहरे भाग की ओर भूमिज निक्षेप का या कणों के आकार का अवरोही क्रम। तो देखो जो बजरी का कण है उसका आकार होता है 2 से 256 मिलीमीटर। उसके बाद जो बालू का कण होता है उसका आकार होता है 1 से 1/6 उसके बाद जो सिल्ट होता है जिसको हम साल्ट बोलते हैं उसके कण का आकार होता है 1/32 से 1/256 तक। उसके बाद यदि किले की बात की जाए तो किले के कण का जो आकार होता है वो होता है 1/512 से लेकर 1/8192 और यदि पंख की बात की जाए कि पंख के कण का आकार कितना होता है तो वो होता है 1/8192 मीटर से कम। तो देखो आज का हमारा जो ये वीडियो था यही कंप्लीट होता है, इसको हमने ज़्यादा लंबा नहीं बनाया, लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो रहेंगे वो अच्छे खासे रहेंगे, समथिंग 30 से 40 मिनट के बीच में। और यदि आप इन सभी क्वेश्चंस की PDF लेना चाहते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो, तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इनके ऊपर आप मेरे से संपर्क करें। और यहाँ पर ये मेरे YouTube चैनल के बारे में बता रखा हूँ क्योंकि इन क्वेश्चंस की PDF को पहले मैंने अपने WhatsApp ग्रुप में डाली थी। तो थैंक्स देखने के लिए, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय। और हाँ नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वरना फिर आपको पता नहीं चलेगा कि मैं कब वीडियो डाल दिया, ठीक है।